कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बुक समरी इन हिंदी। ये वो स्टोरी है जो मुझे हमेशा से ही पसंद है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बार एक बिजनेस मैनेजर जिसकी उम्र कोई 40 साल होगी, उसे हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। इसलिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है ताकि उसे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ एडवाइस मिल सके। तो अब होता ये है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन वो उस फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। उस ऑफिस के बाहर दो दरवाजे थे जिसमें एक दरवाजे पर लिखा था एम्प्लॉयड लिखा हुआ था और दूसरे पर लिखा था सेल्फ एम्प्लॉयड। वो आदमी एम्प्लॉयड लिखा हुआ दरवाजा खोलता है क्योंकि वो खुद एक एम्प्लॉय था। और जब वो उस दरवाजे को खोल कर अंदर जाता है उसे फिर से दो दरवाजे मिलते। उसमें से एक दरवाजे में लिखा था एक साल में $40,000 से कम कमाई और दूसरे में लिखा था एक साल में $40,000 से ज़्यादा कमाई। अब उस मैनेजर की सालाना कमाई $40,000 से कम थी इसलिए वो पहला दरवाजा खोलता। अंदर जाने पर उसे फिर से दो दरवाजे मिलते जिसमें एक पर लिखा था एक साल में $2,000 से ज़्यादा सेविंग और दूसरे में लिखा था एक साल में $2,000 से कम सेविंग। अब क्योंकि उस आदमी की सेविंग अकाउंट में बस $1,000 थे इसलिए वो दूसरा दरवाजा खोल कर अंदर चला जाता है और क्या देखता है, वो उसी जगह पर वापस आ गया जहाँ से वो फर्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर गया था। दरअसल बात यह है कि अगर आप सेम चॉइस चूज करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँचते बल्कि वहीं रहते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आप हमेशा वहीं वापस आएंगे जहाँ से आप चले थे क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डोर्स खोलने होंगे ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन ये रिजल्ट्स मिलेंगे कैसे? अगर आपको ये जानना है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा तो ये समरी पर सुनिए। इसका चैप्टर 1 वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉपीकैट्स। हम कॉपीकैट्स की दुनिया में रहते हैं। अगर कोई एक चीज़ है जिससे हम सब अच्छे हैं तो वो है कॉपीकैटिंग। लेकिन क्वेश्चन में ये है, लेकिन आश्चर्य ये है कि क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कॉपीकैट करते हैं तो हमने अब तक बेस्ट क्रिएट करने का कोई तरीका क्यों नहीं कॉपीकैट किया? हमारे पैदा होने के दिन से ही हमारी कॉपीकैटिंग स्टार्ट हो जाती है। हम अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज कॉपीकैट करते हैं, फोन के मूव्स कॉपीकैट करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कॉपीकैट करते हैं। स्कूल में हम लेटर्स कॉपीकैट करके लिखना सीखते हैं, फिर हम ड्राइव करना सीखते हैं। हम इंस्ट्रक्टर को इस बात के पैसे देते हैं कि वो हमें खुद को कॉपीकैट करना सिखाए और हम जितना बेटर उसे कॉपीकैट करते हैं उतना ही बेटर ड्राइविंग करना सीख जाते हैं। हालांकि लाइफ में हर चीज़ की तरह कॉपीकैट करने के भी डाउन साइड है, सिर्फ इसलिए कि हम सब कुछ ना कुछ कॉपी कैट करते रहते हैं। तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब इस बात को ये कंसीडर कर लो जब आप कोई बैड हैबिट कॉपी कैट करते हैं, क्योंकि जिसे आप कॉपी कैट कर रहे हैं वो राइट हो ये जरूरी तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस स्टोरी को ही ले लो जिसमें एक आदमी की क्लॉक्स की शॉप होती है। हर रोज़ एक बूढ़ा आदमी उस आदमी की शॉप के पास से गुजरता था और घड़ियों को देखता। वो अपने पॉकेट वॉच निकाल कर कुछ देखता और अपने रास्ते चला गया। उस बूढ़े आदमी की आदत को देखकर स्टोर ओनर को बड़ी हैरानी होती थी। तो एक दिन उसने अपनी शॉप से बाहर आकर उस बूढ़े से पूछा कि वो क्या कर रहा है, जिसे बूढ़े ने जवाब दिया, मैं हर रोज 5 बजे में बिजल बजाता हूँ, इसलिए यहाँ गुजरते हुए इन घड़ियों को देखकर मैं एग्जैक्ट टाइम सेव कर लेता हूँ। बूढ़े की बात सुनकर वो शॉप ओनर जोर से हंसा और बोला, और मैं हर रोज़ आपकी विजन की आवाज़ सुनकर अपनी घड़ियों का टाइम सेट करता हूँ। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को कॉपी कैट कर रहे थे और दोनों ही सोचते थे कि दूसरा पर्सन राइट है, लेकिन वे सब अज्यूम करते थे और रॉन्ग थे। तो हमने बैच क्रिएट करने का कोई कॉपी कैट क्यों नहीं ढूंढा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि हम जॉब ट्रैक करने का तरीका कॉपी कैट करते ना कि बैच क्रिएशन का ट्रैक। तो ऐसा क्यों है भला? दरअसल ऐसा इसीलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे करने के लिए सिर्फ जॉब ही एक तरीका है। तो आप भी अब सोच समझ कर चूज करें कि 95% लोग जो जॉब ट्रैक पर हैं और शायद 65 की एज तक जिनका दिवालिया निकल चुका है, क्या आप भी यही चीज़ कॉपी कैट करेंगे या फिर 5% लोगों को कॉपी कैट करना पसंद करेंगे जो बैच क्रिएशन ट्रैक पर, जो 65 की एज से पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट या शायद वेल्दी भी बन चुके होंगे। चैप्टर 2 कहता है ट्रू वेल्थ क्या है, सच्ची दौलत है क्या। ट्रू वेल्थ का मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि आप चीज़ें खरीद सकें, बल्कि ट्रू वेल्थ
फेल होने की एबिलिटी है, जिसका मतलब है आपके पास इतना पैसा है, इतना टाइम है, आप जो चाहे वो करें, जब चाहे तब करें। और यहाँ ये चीज़ ध्यान रखें कि इनफ मनी होना कभी भी इनफ नहीं होता, आपके पास इनफ टाइम ही होना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। आपको ऐसे कई हाई पेड डॉक्टर्स इंजीनियर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या वो ट्रूली फ्री है, तो उनका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो लोग सच में फ्री नहीं है। अगर उनके साथ कभी कुछ भी होता है और फिर उन्हें क्विट करना पड़े, तो वो सेम लाइफ स्टाइल के एकदम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिसकी उन्हें आदत है। इसे इनकम क्रिएशन कहते हैं, जिसका मतलब है आप अपने टाइम को मनी के बदले ट्रेड करते हैं और आप इसमें कुछ भी अर्न नहीं करते जब तक कि आप पर्सनली कुछ ना करें। ये एक तरह का ट्रैप है, या फिर जैसा आपने और हमारे ऑथर इसे कहना पसंद करते हैं, टाइम फॉर मनी ट्रैप। इनकम क्रिएशन टेम्परेरी होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एक बार अगर आपने किसी कॉज के लिए काम करना बंद कर दिया, जैसे कि मान लो किसी बीमारी के चलते आप काम नहीं कर पा रहे, तो जवाब बताओ कि आप कैसे अफोर्ड करोगे, नहीं है ना इस बात का कोई जवाब आपके पास। वेल, तो फिर आप एक लग्जूरियस लाइफ कैसे अफोर्ड करें जो आपके काम करने या ना करने पर डिपेंड ना हो। लेकिन ऐसा हो सकता है जब आपकी रेसिडुअल इनकम बेसिकली आपके लिए पैसा अर्न करती रहती है, चाहे आप काम पे जाए या ना जाए। ये सुनने में थोड़ा बेन जैसा लगता है ना। वेल, खुशकिस्मती से ये फिक्सनल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है। चलो एक फिक्सनल कैरेक्टर बनाते हैं जिसे हम कहेंगे जॉन। जॉन 40 सालों से अपनी इनकम का 10% सेव करता आ रहा है और इस पैसे से उसने बड़ी वाइजली इन्वेस्ट किया, और जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास $1 million से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट है, जिसको उसे 10% हर साल मिलता है और ये रकम $1,00,000 की बराबर है। तो इस तरह से ये पैसा जो बगैर कोई काम किए हुए तो बैठे कमा रहा है, और यही उसकी एक्चुअल वेल्थ है। Chapter 3, लीनियर ग्रोथ, ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी, टाइम को पैसे के बदले ट्रेड करना। आजकल हमारे 50-50 प्लान, हम 50 साल तक हर साल वीकली 50 घंटे काम करते हैं, और जब रिटायर होते हैं तो हमें लाइफ टाइम कमाई का बस 50% ही मिलता है। और प्रॉब्लम ये है, जो हम पहले कमाते थे तो वो तब भी इनफ नहीं होता था। तो इमेजिन करो कि जब हमें इसका 50% ही मिलेगा, तो रिटायरमेंट के बाद कैसे हमारा गुजारा चलेगा। ये लीनियर ग्रोथ का एक बेसिक एग्जाम्पल है। लीनियर ग्रोथ को सिर्फ री कैलकुलेट करने के लिए हम नीचे दी गई एक इक्वेशन यूज़ करते हैं। एच आवर वेज इंटू एल नंबर्स ऑफ आवर वर्क इज इक्वल टू आई इनकम। इसका सिर्फ ये मतलब है आप जो देते हैं वही आपको एक्चुअल भी मिलता है, और जब आप उतना नहीं दे पाते तो आपको भला ज़्यादा कैसे मिल सकता है। लीनियर ग्रोथ की लिमिटेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग हैं जो दो डिफरेंट जॉब करते हैं, चाहे पहले वाले का नाम हम जॉन रखते हैं। अब जॉन एक जगह पे फ्लावर बेचने का काम करता है, इस काम से वो हर घंटे $10 कमाता है, और अगर वो इस में से घर से काम तक का ट्रांसपोर्टर निकाल दे तो डेली घंटे वीकली 6 घंटे 6 दिन भी काम करता है, तो पर वीक उसकी $600 की कमाई होती है। और अगर वो हर साल 50 वीक्स काम करे तो $30,000 का ईयर कमाएगा। देखा जाए तो ये रकम कम भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बस दिन ही देख पाते हैं विकास को इतना कमा सकते। हालांकि हर साल ये $30,000 जॉन की मैक्सिमम इनकम है, वो इससे ज़्यादा कभी कमा ही नहीं सकते, और वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता, ना ही कभी वो ब्रेक लेता है। उसकी इनकम उसकी लीनियर ग्रोथ पर बेस्ट है, उसे बस एक बार ही पेमेंट मिलती है, और एक बार पेमेंट मिलने के बाद उसे फिर से वेस्ट लगानी पड़ती है। इस तरह से वो अपना टाइम मनी के बदले में ट्रेड करता है। अब हम सेकंड कैरेक्टर को लेते हैं, ये मार्क, जो मेडिसिन लाइन में एक जनरल प्रैक्टिशनर है। वो पर ईयर $150,000 कमाता है, जो कि अच्छी खासी रकम है। हालांकि तब भी उसे पर डे 10 घंटे और बीती 6 दिन काम करना पड़ता है। तो इस तरह से वो अपने काम का गुलाम है, वो काम से थका हुआ घर लौटता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, वो ऐसी लाइफ नहीं जी रहा है जैसी उसने सोची थी। और असली प्रॉब्लम तो यही है, आप चाहे अभी साल के 30,000 कमाएं या 1.5 लाख, एक बार अगर जॉब छोड़ दें तो आपकी अर्निंग 0 है। एक कंपनी का CEO काफ़ी पैसा अर्न करता है, शायद $3 million पर ईयर या उससे भी ज़्यादा, जबकि उसका एम्प्लॉय साल के सिर्फ $20,000 कमाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो CEO जानता है कि मनी कैसे लिवरेज किया जाए,
उसके एम्प्लॉयज उसके रिलीज है, इसी वो अपने एफर्ट के 100% हो जाए, अपने 100 एम्प्लॉयज के एफर्ट का 1% अर्न करता है, यही चीज रिलीज है। हालांकि सिर्फ रिलीज होना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे यूज कैसे करें, वरना ये आपके लिए यूजलेस है। इस नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको यही चीज़ समझाने वाले हैं। चैप्टर 4 रिवेज ग्रोथ, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं। चलो 1888 के वर्ष के टाइम में चलते हैं। आसाम कैनरा ने $2300 में कोका कोला नाम की एक कार्बोनेटेड फाउंटेन पेन फाउंटेन ऑफ ड्रिंक की एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए। ये एक बड़ी सक्सेस थी क्योंकि उस टाइम में ऑलमोस्ट हर ड्रग स्टोर में इस ड्रिंक का एक फाउंटेन हुआ करता था, जहाँ पर आकर लोग पास साइड्स में कोका कोला पी सकते थे। हालांकि एक दिन कैंडल ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने वाकई में हिस्ट्री चेंज कर दी। एक दिन कैंडल का एक फ्रेंड उसके ऑफिस में आया और एक स्मॉल फी के बदले में उसे एडवाइस दी। कुछ देर आराम से सोचने के बाद कैंडल ने उसे फी पे कर दी। उसका दोस्त उसके पास आकर धीरे से बोला, बोतल एक बस फिर क्या था, कोका कोला की बोतल पहले से आने से पहले लोगों को इसे पीने ड्रग स्टोर जाना पड़ता था, इसलिए कंपनी का सारा प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड था कि कितने लोग कोका कोला ड्रिंक पीने के लिए एफर्ट लगाकर ड्रग स्टोर तक जाए। लेकिन ड्रिंक को बॉटल करने से रिवेज क्रिएट की गई। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बोतल में डालकर टाइम एफर्ट और लोकेशन को रिवेज बना दिया था। और जब जब उनके प्रोडक्ट बोतल में बिक रहा था तो कोई भी जैसे मान लो कोका कोले की 6 पैकेट फाउंटेन अपने घर में इंजॉय कर सकता था। तो ये होता है रिवेज, जिससे आप अपना काम हार्डर की बजाय स्मार्टर तरीके से कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक ऐसा तरीका कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने का। लिवरेजिंग योर वे थ्रू फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी के थ्रू लिवरेजिंग करें। आजकल फ्रेंचाइजिंग बिजनेस खूब ट्रेंड में है। अमेरिका का ऑलमोस्ट 60% सामान फ्रेंचाइजी के थ्रू सप्लाई होता है। ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका बहुत बड़ा डाउनसाइड भी है, वो है इसका स्टार्टअप कॉस्ट। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, हर कोई इतना रिच नहीं होता कि $1 million खर्च करके मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले सके। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी फ्रेंचाइजी से आप अमीर नहीं बनने वाले, इसके लिए आपको मल्टीपल शॉप से लेनी पड़ेगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एक दूसरा अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है, जिसका स्टार्टअप कॉस्ट इतनी कम है कि $500 में ही शुरू हो सकता है। जो काम आप सिर्फ एक बार करेंगे उसके लिए 1000 बार पेड हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, चलिए इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। अगला चैप्टर कहता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। उसी योला मैकाउटी 88 साल की बूढ़ी थी जो काफ़ी टफ लाइफ जी रही थी। रोजी रोटी के लिए वो बहुत से कपड़े धोने और आयरन करने का काम करती थी, जिसके लिए वो पर बंडल $2 चार्ज करती थी। और बर्फबारी के समय उसने अपना प्राइस बढ़ाकर $10 पर बंडल कर दिया था। इतने सब के बावजूद वो सिर्फ $9000 ही कमा पाती थी। जब वो 40 की थी तो उसने थोड़े पैसे सेव करने के लिए सेव किए थे। ये सेविंग टाइम के साथ इंक्रीज होती गई और 1995 के समय में उसने अपनी सेविंग में से $1.5 लाख एक चैरिटी में डोनेट कर दी थी। अब सवाल ये है कि एक ऐसी और जिसकी एवरेज इनकम सेविंग नीचे थी, वो इतनी बड़ी रकम भला कैसे डोनेट कर पाई। वो अपनी सेविंग का कुछ परसेंट हर साल किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देती थी। वो पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करती थी। तो इस चीज़ को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं। मान लो कि आपने 25 साल पहले $10,000 जेरोक्स में इन्वेस्ट किए, तो आज उनके $10,000 $40 million में बदल जाए। यह फ्रेंचाइजी का अल्टरनेटिव तरीका। फ्रेंचाइजी बेशक एक अच्छी बात है, लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए आपके पास काफ़ी बड़ी रकम होनी चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं है, आप कम पैसे से भी स्टार्ट करके कुछ टाइम बाद एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते। तो अब आप एक छोटे से अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट कैसे कमा सकते, वो भी बगैर किसी लॉन्ग टर्म वेट के। तो इसका आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में सिनर्जीज़म के बाद पढ़ेंगे। चैप्टर 6 सिनर्जीज़ मैरिजेस। 1905 के वर्ल्ड फेयर में एर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने वेल्थ बेचने की पूरी कोशिश में जुटा था। वो उसकी प्रमोटिंग कर रहा था, फिर भी किसी ने उसके बैग्स नहीं खरीदे। और उससे बुरी बात उसके साथ ये हुई कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट स्टोर वाले स्टोर के बाहर लोगों की राय नहीं थी जहाँ आइसक्रीम बिक रही थी। फिर एक दिन आइसक्रीम बेचने वाले के पास प्लेट्स खत्म हो गई, तो उसने एंड्स से कुछ प्लेट्स उधार मांगे। एंड्स के पास प्लेट्स तो नहीं थे, तो उसने सोचा क्यों ना
बर्फ को ऐसे बोल किया जाए कि उसमें आइसक्रीम कोट की जा सके। तो इस तरह आइसक्रीम कोन बनी जो लोगों को बहुत पसंद आए और फिर दुनिया भर में आइसक्रीम कोन फेमस हो गए और आज भी ये सबका फेवरेट स्नैक ये आइसक्रीम और बर्फ की ये स्टोरी सुना जिसमें का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दो अच्छे प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे से एकदम अलग है फिर भी जब कंबाइन होते हैं तो एक नया ग्रेट प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। अब इमेजिन करो कि आपने बेस्ट क्रिएशन के एक परफेक्ट सिनर्जिज्म क्रिएट करने का चार्ज ही है एक ऐसा पावरफुल सिनर्जिज्म जो इस प्लैनेट पर हर किसी की लाइफ टच करे जो अफोर्डेबल हो और एक डुप्लीकेट सिनर्जिज्म हर किसी को अवेलेबल हो सके। वैल्यू ये बिल्कुल सिंपल है और मैं इसे फ्रेंचाइजी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शादी करना पसंद करूँगी। तो आपकी उसकी मैरिज का रिजल्ट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का अल्टीमेट सिनर्जिज्म चैप्टर 7 नेटवर्क मार्केटिंग। डुप्लीकेशन वो तरीका है जिसे फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और कंपाउंडिंग टू वेल्थ क्रिएट करने का वे। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिंपली किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है जो पहले से ही सिस्टम में कोई इम्प्लीमेंट कर रही है। एग्जाम्पल के लिए वे आपको एक प्रोडक्ट देंगे जो आपको सेल कर रहा है, जब आप इसे बेचते हैं तो आपको 25% कमीशन मिलता है। हो सकता है ये ज़्यादा बड़ी रकम ना लगे लेकिन अगर आप हर मंथ एक आदमी को भी ये सिखा देंगे देते हैं तो मुबारक हो आपका कमीशन बढ़ गया क्योंकि वो आदमी अब आगे सेल करेगा तो उससे भी आपको कमीशन मिलेगा और जब वो आदमी किसी और को ये सिखाएगा तो आपका कमीशन और बढ़ जाएगा। ये पिरामिड स्ट्रक्चर है, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा और ये जो वेल्थ क्रिएट की कॉपी कैट का बस यही तरीका है। ये बिल्कुल फ्रेंचाइजिंग की तरह है लेकिन फर्क बस ये है कि इसमें आपको स्टार्टअप के लिए $1,000,000 खर्च नहीं करने पड़ते बल्कि आपको काफ़ी कम बने पाएंगे और फिर जाने के बजाय आप घर बैठे काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।